हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी को पता है कि हम लोग इस चैनल के ऊपर डेली एक्शन प्लान आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। रोज आपके साथ में क्लास शेयर करी जाती है, फिर उसके ऊपर एक 15 क्वेश्चंस का क्विज होता है। तो आज का हमारा जो क्विज था उसका टॉपिक था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल, और 15 क्वेश्चंस हैं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। इसमें भी बच्चों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, खासकर गाइडेड बैच वाले जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लगातार, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको क्लासेस देखनी ही पड़ती है मेरे साथ साथ में, राइट। वो छूट के नहीं जा सकते, तो ऑब्वियसली वो क्लासेस देखेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी ही होगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, वन बाय वन इनका सोल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑब्जर्व टू बी आई नॉट। If one of the slits is covered, then intensity at the central maxima will become. तो देखो, जब हमारा इंटरफेरेंस होता है ना, तो उस केस में हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, ठीक है, उस केस में हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी इंटेंसिटी हम लोगों ने देखा था 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ ईच स्लिट के इक्वल होती है। हर स्लिट की इंटेंसिटी अगर आई ईच है तो उसका 4 गुना हो जाएगी। फॉर्मूला हमारे पास में ना, रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर। तो इसमें अगर आप सेम इंटेंसिटी यूज करोगे तो 4 टाइम्स ईच इंटेंसिटी आ जाएगा। तो ये हमें दे रखा है कितना, आई नॉट दे रखा है। तो हमें पता पड़ गया कि हर स्लिट की जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो जानी चाहिए, आई नॉट डिवाइडेड बाय 4 हो जानी चाहिए। तो अगर आप एक स्लिट को ढक लोगे तो फिर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, फिर केवल और केवल सिंगल स्लिट की वजह से वहां पर लाइट पहुंचेगी। सो इन सेकेंड केस, केस टू, जब आपने एक स्लिट को क्या कर लिया, कवर कर लिया, तो इन दैट केस हमारी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो सिंपली आई ईच के बराबर हो जाएगी, यानी कि आई नॉट डिवाइडेड बाय 4 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विथ 2 कोहरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो n, ठीक है। तो I1 डिवाइडेड बाय I2 हमें दे रखा है n डिवाइडेड बाय 1। यहां तक की बात आ गई समझ में। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो दिस, जो कि हमें दे रखा है, तो हम सबसे पहले आई मैक्स निकाल लेते हैं। तो आई मैक्स हो जाएगा आपका रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि n प्लस 1 प्लस 2 रूट n, ये हमारे मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी हमारी रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर, मतलब एन प्लस वन माइनस टू रूट एन, ये हमारे आई मिन की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी, आई मैक्स माइनस आई मिन डिवाइडेड बाय आई मैक्स प्लस आई मिन। जबरदस्ती का क्वेश्चन बनाया हुआ है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो आई मैक्स की वैल्यू रख दो आप एन प्लस वन प्लस टू रूट एन, और आई मिन की वैल्यू रखो तो माइनस एन माइनस वन माइनस माइनस प्लस टू रूट एन डिवाइडेड बाय आई मैक्स की वैल्यू एन प्लस वन प्लस टू रूट एन, आई मिन की वैल्यू एन प्लस वन माइनस टू रूट एन। तो टू रूट एन से, सॉरी, ऊपर एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ऊपर n से n कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा 4 टाइम्स रूट n, और नीचे 2 रूट n से 2 रूट n कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा 2 टाइम्स n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 रूट n डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। 2 रूट n डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज डी इज इक्वल टू 5 लेमडा, वेल लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन द एक्सपेरिमेंट, वॉट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 10 डी। तो देखो, डेटा हमें इस हिसाब से दे रखा है कि हमें पहले डायग्राम बना के
एक्चुअल में सॉल्व करना पड़ेगा, हम हमारे फॉर्मूलाज यूज़ नहीं कर सकते जो कि हमें अप्रोक्सीमेशन के बाद में मिले थे, राइट। तो हमारी ये पहली वाली स्लिट हो गई और ये हमारी दूसरी वाली स्लिट हो गई, ठीक है। ये S1 हो गया और ये S2 हो गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 5 times lambda दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। हमें पता है कि इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर क्या मिलती है, हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तो ये हमारी स्क्रीन हो गई यहाँ पर, और स्क्रीन की डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी, 10 times d, और d कितना है, 5 lambda, यानी कि 50 lambda, ये हमें डिस्टेंस दे रखी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हमें पूछा गया व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स ऑन द स्क्रीन, यानी कि किसी भी एक स्लिट के सामने वाले पॉइंट के ऊपर, यानी कि इस वाले पॉइंट के ऊपर आपकी किस तरीके की फ्रिंज, उस पर जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। तो इस पॉइंट पर S1 से जो वेव पहुंच रही है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं अपन P, और S2 से जो वेव पहुंच रही है वो हो जाएगी आपकी S2P। तो हम इनकी एक्चुअल में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखो अगर आप इस ट्रायंगल को पूरा करोगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 5 times lambda। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ देख रहे हो यहां पर, और उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो एस टू पी है वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, रूट ऑफ 5 lambda का स्क्वायर, दैट इज 25 lambda स्क्वायर, और 50 lambda का स्क्वायर, दैट इज 2500 lambda स्क्वायर, यानी कि लेमडा तो आ जाएगा बाहर, रूट के अंदर रह जाएगा 25, 25। ये हमारे एस टू पी की वैल्यू आ जानी चाहिए, हम लोग आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, राइट। और हमारा जो एस वन पी है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस वन पी की वैल्यू हो जाएगी हमारी सिंपली 50 times lambda। हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एस टू पी माइनस एस वन पी। एक्चुअल में हमें पाथ डिफरेंस यहां पर दिखाई दे रहा है, तो यहां पे एस टू पी की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 2525 times lambda माइनस 50 times lambda। अभी जो रूट ऑफ 2525 है ना, इसकी वैल्यू होती है 50.25 lambda माइनस 50 lambda, तो एक्चुअल में बचेगा आपका 0.25 lambda, यानी कि इसको आप लिख सकते हो lambda डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा। अब lambda का पाथ डिफरेंस जो होता है, ठीक है, तो हमारा फेज डिफरेंस आ जाएगा lambda इज इक्विवेलेंट टू 2π/4, यानी कि आ जाएगा आपका π/2। तो ये बेसिकली π/2 इस फेज डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो हमारी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी इन दिस केस वो कितनी हो जाएगी, पहले वेव की इंटेंसिटी दैट इज सपोज करो I, दूसरे वेव की इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल रहे अपन, दैट इज ऑल्सो I, प्लस ट्वाइस ऑफ रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाई होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सिंपली यहां पर कितना आ जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ I हो जाएगा। और हमें सेंट्रल मैक्सिमा जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, आई नॉट दे रखी है, मतलब हमें 4 times I जो है वो कितना दे रखा है, आई नॉट दे रखा है। तो आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी आई नॉट डिवाइडेड बाय 4, तो हो जाएगा 2 times I0/4, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा I0/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहां पर क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, पूछा गया है और इसके बार बार पूछे जाने के चांसेस है। कहां कहां गलती कर सकते हैं बच्चे, पहला तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, मात खा जाएंगे। दूसरा, यहां पर एक्चुअल में आपको पाथ डिफरेंस निकालना है तो हो सकता है बच्चे गिव अप कर दें। पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ईच स्लिट की इंटेंसिटी, और फिर सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी हमें आई नॉट दे रखी, तो उसको इंटरप्रीट करना है कि वो 4 times I के इक्वल होगी, है ना। तो बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी जगह पर अटकने के चांसेस हैं। आई होप आप नहीं अटकोगे तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल फ्रिंज इन इंटरफेरेंस पैटर्न इज गिवन, देन फाइंड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट हैविंग पाथ डिफरेंस। तो हमें पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है, lambda/3, तो इक्विवेलेंट फेज डिफरेंस हो जाएगा
2 पाई डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, तो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन दिस केस आ जाएगी पहले वेव की इंटेंसिटी, दूसरे वेव की इंटेंसिटी ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ पहले वेव की इंटेंसिटी, रूट ऑफ दूसरे वेव की इंटेंसिटी टाइम्स कॉस ऑफ 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री इज नथिंग बट -1/2, तो ये हो जाएगा I प्लस ट्वाइस ऑफ I मल्टीप्लाइड बाय -1/2, 2 से 2 चला गया तो ये हो जाएगा I प्लस I माइनस I दैट इज बचेगा I। अब हमारी जो सेंट्रल मैक्सिमम है यानी कि 4 टाइम्स I, वो हमें कितनी दे रखी है 0.01 वॉट पर मीटर स्क्वायर दे रखी है, तो I की वैल्यू हो जाएगी 0.01 डिवाइडेड बाय 4। इतना हमारा आंसर आ जाना चाहिए हमें मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर के अंदर। ये तो आंसर किस में आ रहा है, वॉट पर मीटर स्क्वायर के अंदर आ रहा है। मिली वॉट का मतलब क्या हो गया, इसको आप 0.01 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1000 इससे मल्टीप्लाई कर दो और 10^-3 ठीक है वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 1000 से 1 डिवाइडेड बाय 100 को मल्टीप्लाई करोगे 10 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2.5 मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन मैनिपुलेट करनी है, ऑप्शन वन आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स बाय 4 मिलीमीटर when a polystyrene sheet of refractive index 1.8 is placed in front of the lower slit, if wavelength हमें given है, separation between slits हमें given है, separation between slits and screen हमें given है, तो हमसे पूछा गया बताओ thickness कितनी होगी, तो हमें direct shift का formula पता है, मैंने आपको बता रखा है कि shift जो होती है वो किसके equal होती है, वो होती है आपकी capital D divided by small d टाइम्स म्यू माइनस 1 टाइम्स टी। अब हमें सारी चीजें गिवन है, हमें शिफ्ट गिवन है, कितनी गिवन है हमें शिफ्ट 4 मिलीमीटर यानी कि 4×10^-3 मीटर, कैपिटल डी हमें गिवन है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की 10 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, तो 10×10^-2, दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन 2 मिलीमीटर है मतलब 2×10^-3, म्यू कितना दे रखा है हमें 1.8 दे रखा है, 1.8 माइनस 1 और थिकनेस टी हमें फाइंड आउट करनी है 4×10^-3। देखो क्वेश्चन हो गया हमारा, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 4×10^-3 × 2×10^-3 डिवाइडेड बाय 10×10^-2 एंड 1.8 माइनस 1 करेंगे तो बचेगा 0.8। पॉइंट डेसिमल उठाओगे 10 ऊपर चला जाएगा, 4×2 से ये 8 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 से 10 भी चला गया, माइनस 2 को ऊपर भेजोगे तो माइनस 6 और प्लस 2 में लड़ाई हो जाएगी, 10^-4 आपका बचेगा। इसको आप लिख सकते हो 0.1×10^-3 यानी कि 0.1 मिलीमीटर इस थिकनेस वाली आपकी शीट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन, इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लेमडा इज के, तो जहां पर पाथ डिफरेंस लेमडा होता है, जहां पर डेल्टा एक्स कितना होता है लेमडा, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इसका मतलब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ ईच स्लिट, और वो हमें कितनी दे रखी है के दे रखी है, तो हर स्लिट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आपकी K डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी। तो पहले तो ये निकाल लो, फिर आपको दूसरा वाला पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है लैम्डा बाय 4 यानी कि फेज डिफरेंस हो जाएगा आपका लैम्डा इज इक्वेलेंट टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 दैट इज पाई बाय 2। तो इस केस में हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी पहले वेव की इंटेंसिटी प्लस दूसरे वेव की इंटेंसिटी प्लस ट्वाइस ऑफ पहले वेव की इंटेंसिटी रूट ऑफ दूसरे वेव की इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 0 होती है, तो यहाँ पे हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी ट्वाइस ऑफ आई ईच यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ के डिवाइडेड बाय 4 दैट इज के डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्वेश्चन बार बार आपको मिल रहे हैं,
इस तरीके का क्वेश्चन, राइट। तो ऑप्शन थ्री हमारा यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट्स इज 0.3 mm, स्मॉल डी हमें दे रखा है 0.3 mm, कोई बात नहीं। द स्क्रीन इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 meter, तो कैपिटल डी हमें दे रखा है 1.5 meters। द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज इज फाउंड टू बी डिस्प्लेस्ड बाय 6 mm फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज जो होती है फॉर्मूले के हिसाब से कहां पर होती है, ट्वाइस ऑफ लेमडा टाइम्स डी डिवाइडेड बाय डी, इस जगह पर होती है। और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना दे रखा है, 6 mm दे रखा है, 10^-3। तो हम लोग आसानी से लेमडा निकाल सकते हैं, लेमडा हो जाएगा 6 × 10^-3 टाइम्स स्मॉल डी यानी कि 0.3 × 10^-3 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल डी दैट इज 1.5। तो 2 × 1.5 करोगे 3 हो जाएगा और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 0.1, तो ये आ जाएगा आपका 0.6 × 10^-6। ठीक है, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 600, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑल पावर हो जाएगी -9, यानी कि 600 nm आपका आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ स्लैब ऑफ थिकनेस 1.2 माइक्रोमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट एंड अनदर स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द सेकेंड स्लिट। इफ द पोजिशन ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज रिमेन्स अनऑल्टर्ड देन द थिकनेस टी इज, तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारा जो शिफ्ट वन था, ठीक है, जब आपने ऊपर वाली स्लिट के सामने रखा, ठीक है, तो आपका फ्रिंज पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हो गया, हमारे पास में फॉर्मूला है कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी टाइम्स म्यू वन, म्यू वन कितना है हमारा 1.5 - 1 टाइम्स थिकनेस, थिकनेस कितनी दे रखी है हमें, टी दे रखी है, इतनी शिफ्ट हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, अनदर स्लैब, ठीक है, तो हमें थिकनेस कितनी दे रखी है इसकी, 1.2 micrometer दे रखी है, पहले वाले की 1.2 micro का मतलब होता है 10^-6। अब जो दूसरा स्लिट, दूसरा स्लैब आपने रखा है, उसकी वजह से आपका फ्रिंज पैटर्न डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, कितना शिफ्ट होगा, कैपिटल डी डिवाइडेड बाय डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.5 - 1 और थिकनेस है टी। अब ऑरऑल आपका डिस्प्लेसमेंट एक की वजह से ऊपर हो रहा है, एक की वजह से नीचे हो रहा है, तो ऑरऑल आपका जीरो हो जाना चाहिए, कब, कब, जब आपका शिफ्ट वन जो कि ऊपर की तरफ हो रहा है एंड शिफ्ट टू जो कि नीचे की तरफ हो रहा है वो आपस में बराबर हो जाए, यानी कि डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी टाइम्स 0.5 × 1.2 × 10^-6 किसके बराबर हो जाए, कैपिटल डी डिवाइडेड बाई डी इंटू 1.5 × t के बराबर हो जाए, d से d चला गया, स्मॉल d से स्मॉल d चला गया, तो t की वैल्यू आ जाएगी 0.5 × 1.2 × 10^-6 डिवाइडेड बाय 1.5, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 0.4 टाइम्स, तो 0.4 micrometer ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। इफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड थिकनेस टी इज इंसर्टेड इन फ्रंट ऑफ द स्लिट्स ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाउ मच विल बी द शिफ्ट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, तो शिफ्ट का फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी है, क्या क्या दे रखा है हमें, कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी टाइम्स म्यू माइनस वन टाइम्स टी, कैपिटल डी हमें कितना दे रखा है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है 100 cm 10^-2, स्मॉल डी दे रखा है 0.5 mm मतलब 10^-3, म्यू हमें कितना दे रखा है 1.5 - 1 करेंगे तो 0.5 बचेगा और थिकनेस हमें कितनी दे रखी है 2.5 × 10^-5, जस्ट कैलकुलेट करना है, हो गया क्वेश्चन, 0.5 से 0.5 चला जाएगा,
10 रेज टू पावर माइनस 3 को ऊपर भेजोगे तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 और प्लस 2, 100 के 2 ले लेना तो प्लस 5 हो जाएगा। तो ये ऑल ऑल 10 रेज टू पावर माइनस 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर, जिसको आप लिख सकते हो 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10th, डायरेक्ट हो रहे ना बच्चों ये सवाल। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्रिंज ऑफ विड्थ 0.8 mm एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। इफ द होल एक्सपेरिमेंट इज डीप इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 देन फ्रिंज विड्थ। तो डायरेक्ट यहां पे लगाओ कि हमारा जो बीटा डैश होता है वो बीटा डिवाइडेड बाय म्यू के इक्वल हो जाता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हमें बाहर फ्रिंज विड्थ कितनी दे रखी है 0.8 mm और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दे रखी है हमें 1.6, यानी कि आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 mm यानी कि 0.5 mm। ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, राइट, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11th। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट वन स्लिट इज कवर्ड विथ अ ब्लू फिल्टर एंड द अदर विथ अ येलो फिल्टर, देन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी ब्लू, विल बी येलो, विल बी ग्रीन एंड विल नॉट बी फॉर्म। तो इंटरफेरेंस की एक नेसेसरी कंडीशन थी कि आपकी फ्रिक्वेंसी जो है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए थी, दोनों स्लिट से जो लाइट निकल रही है उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशन थी। अब एक से आपकी ब्लू लाइट निकल रही है और एक से आपकी येलो लाइट निकल रही है, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी इसकी तो हो जाएगी F1 और इसकी हो जाएगी F2, और F1 और F2 क्लियरली आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। समझ में आया, इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स एक्ट एज कोहरेंट सोर्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए एंड वेवलेंथ लैम्डा। तो हमें यहां पर इंटेंसिटी नहीं एम्पलीट्यूड दे रखा है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट विथ द सेम सेटअप द टू स्लिट्स आर सोर्सेज ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए एंड वेवलेंथ लैम्डा बट आर इनकोहरेंट। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन इन द फर्स्ट केस टू द सेकेंड केस। तो जब आपका इनकोहरेंट सोर्सेस का मिक्सचर आप करते हो, ठीक है, तो जो आपकी इंटेंसिटी बनती है वो जस्ट डबल हो जाती है, ट्वाइस ऑफ आई ईच के इक्वल हो जाती है। और जब आप कोहरेंट सोर्सेस लेते हो, इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करते हो, तो ब्राइट फ्रिंज कितनी होती है, 4 टाइम्स आई ईच होती है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, मतलब कोहरेंट और इनकोहरेंट का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 4 टाइम्स आई ईच डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आई ईच, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 रेशियो 1, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। 13th क्वेश्चन देखो। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू अ सिंगल स्लिट एस इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द टू स्लिट्स एस1 एंड एस2, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी डब्ल्यू। नाउ अ थिन शीट ऑफ मीका जिसकी थिकनेस और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें दे रखी है इज प्लेस्ड नियर एंड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट्स। नाउ द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी डब्ल्यू डैश। तो ध्यान रखना, जब भी आप स्लैब रखते हो तो शिफ्ट प्रोड्यूस होता है, मतलब आपका फ्रिंज पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो जाता है। सो वेन एवर स्लैब इज कैप्ड इन फ्रंट ऑफ स्लिट, तो इसका मतलब आपका जो फ्रिंज पैटर्न है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। कितना शिफ्ट होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास में, बट इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अभी भी आपकी जो फ्रिंज विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू हो जाएगी, मतलब ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाना चाहिए,
करेक्ट हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अपन। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट्स इज सो पेंटेड दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम इट इज हाफ ऑफ दैट ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम अदर स्लिट, देन फ्रिंज सिस्टम विल डिसअपियर, ब्राइट फ्रिंज विल बिकम डार्कर। तो देखो, नॉर्मली दोनों स्लिट्स की जो इंटेंसिटी है वो बराबर होती है, तो ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी हो जाती है 4 times I और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी हो जाती है 0, है ना। लेकिन अगर आप एक की इंटेंसिटी I कर दोगे और एक की इंटेंसिटी I डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो अब आपकी जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी 4 times I नहीं होगी। फॉर्मूला है आपके पास में, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2, ठीक है। सो केस 1 में जब आपने पेंट नहीं किया था तो I मैक्स हुआ करता था कितना, 4 times I, और I मिन हुआ करता था कितना, 0। बट जब आपने केस 2 की बात करी तो I मैक्स हो जाएगा आपका रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इट विल डेफिनेटली लेस देन 4I मिलेगा आपको, है ना। इट विल बी डेफिनेटली लेस देन 4I मिलेगा, आप सॉल्व करके देख लेना। सिमिलरली आपका जो I मिनिमम है, पहले तो 0 ही होता था, आपकी बार कितना हो जाएगा, रूट ऑफ I माइनस रूट ऑफ I डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, तो इट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, आपकी बार 0 नहीं आएगा ये डिफरेंस। तो हुआ क्या, हमारी ब्राइट फ्रिंज जो है उसकी ब्राइटनेस तो कम हो गई और डार्क फ्रिंज जो है वो थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट हो गई, तो डार्क फ्रिंज विल बिकम लेस डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज विल बिकम लेस ब्राइट। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एग्जाम्स के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15। When a thin transparent plate of thickness T and refractive index mu is placed in the path of one of the two interfering waves of light, then the path difference changes by. तो डायरेक्ट हमने देखा था कि जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है म्यू माइनस 1 times T, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ऑल इन ऑल आज का जो क्विज था बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट था, जिन्होंने क्लास अटेंड करी है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान था, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने क्लास के अंदर डिस्कस करी है। तो ओवरऑल इसका लेवल जो था वो ना इजी ना डिफिकल्ट, मॉडरेट लेवल का था। सो अगर अभी तक आप हमारे डेली एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप लोगों को हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, किसी बात के कोई पैसे नहीं है। एक वेल शेड्यूल्ड वेल मैनर के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब कौन सी क्लास देखनी है, क्विज कौन सा अटेम्प्ट करना है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।